Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 3 by Brain Root series, and here is a book children, Science Spark. Today children, we are going to start with chapter number 2 and the name is Safety Rules and First Aid. So we are going to learn about what are the safety rules and how to do first aid. So in this chapter we will learn safety on the road. रोड पे कैसे सेफ रहना चाहिए, सेफ्टी एट द बस स्टॉप पे कैसे सेफ होना चाहिए, सेफ्टी एट होम घर पे कैसे सेफ रहें, सेफ्टी इन द क्लासरूम में कैसे सेफ रहें, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड में कैसे हमें सेफ रहना चाहिए, एंड व्हाट इज फर्स्ट एड. सो चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वी शुड हैव इन अ फर्स्ट एड बॉक्स. तो फर्स्ट एड बॉक्स में से इनमें से कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या सीजर होनी चाहिए, यस. क्या एक नेल पेंट होनी चाहिए, नो. एक क्रेप बैंडेज होना चाहिए, यस. क्या ग्रेप्स होनी चाहिए, नो. फर्स्ट एड, यस. बॉक्स होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, सेवलोन, मेडिसिन. क्या एक ORS सॉल्यूशन, यस. बैंडेड होना चाहिए. क्या एक रोज होना चाहिए, नो. तो जो चीज़ें नहीं है उसे हमने क्रॉस कर दिया है, और जो चीज़ें होनी चाहिए फर्स्ट एड किट में वो हमने टिक कर दिया है. Now, accidents can occur anywhere at any time. आपको पता है कि एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. They happen all of a sudden. एकदम से भी हो सकता है एक्सीडेंट. Mostly accidents happen when we are in a hurry. एक्सीडेंट ज़्यादातर कब होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, और when we are careless, या जब हम बहुत careless होते हैं. If we are careful, we can prevent accident. अगर हम careful हैं तो हम accident को prevent कर सकते हैं, रोक सकते हैं. Therefore, we must follow safety rules everywhere. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर जगह safety rules को follow करना चाहिए. तो चलिए पढ़ते हैं कैसे हमें safe रहना है road पे. We should always follow safety rules on road to avoid getting injured. हमें क्या करना चाहिए, हमेशा safety rules को follow करना चाहिए रोड पे, ताकि हमें चोट ना लगे. पहला पॉइंट है, वाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टुवर्ड्स योर राइट. तो जब भी आप रोड को क्रॉस करें तो पहले राइट की तरफ देखें, देन टू योर लेफ्ट, फिर लेफ्ट की तरफ देखें, एंड देन टू राइट अगेन, और फिर से राइट की तरफ देखें. व्हेन द रोड इज क्लियर, क्रॉस इट. और पहले राइट देखा, लेफ्ट देखा, फिर से राइट देखा, और अगर रोड क्लियर है, इधर देख के भी क्लियर है और लेफ्ट भी देख के क्लियर है, तब आपको रोड को क्रॉस करना है. नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे कभी भी ना खेले. ऑलवेज यूज द ज़ीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. रोड पे क्रॉस करने के लिए हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग का यूज करें. सो चिल्ड्रन, आपने देखी होगी ब्लैक और वाइट लाइन्स आपको रोड पे दिखाई देती हैं, तो वो है हमारी ज़ीब्रा क्रॉसिंग की लाइन, उस पे ही क्रॉस करना चाहिए. Whenever possible, use subways to cross busy roads. जब भी possible हो, हमेशा हमें subway वाला area use करना चाहिए road को cross करने के लिए, busy roads को cross करने के लिए. Now children, do you know that the world's first traffic light was put up in London in 1868? क्या आपको पता है कि जो world की जो पहली traffic light थी वो लंदन में 1868 में लगाई गई थी. इट वॉज अ रिवॉल्विंग लैंटर्न, वो एक रिवॉल्विंग लैंटर्न था, विथ ओनली टू सिग्नल्स, रेड एंड ग्रीन. उसमें दो ही सिग्नल्स थे, सिर्फ रेड और ग्रीन सिग्नल. अ पुलिसमैन ऑपरेटेड इट मैनुअली, और जो पुलिसमैन था उसे हाथ से मैनुअली चलाता था, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम नहीं फिट था. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू बी सेफ एट बस स्टॉप पे कैसे हमें सेफ्टी को फॉलो करना है. तो पहला पॉइंट है, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप. हमेशा क्यू में खड़े हो, क्यू मींस लाइन में खड़े हों, व्हाइल वेटिंग फॉर द बस, बस का वेट करने के लिए. डू नॉट लीन आउट और पुट योर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस. अगर बस चल रही है तो उससे बाहर ना तो हमें बाहर झांकना है, लीन कर मतलब है बाहर झांकना है, ना ही अपना हाथ बाहर निकालना है. डू नॉट गेट इन और गेट आउट इन अ मूविंग बस. तो चलती हुई बस में कभी भी ना चढ़े, ना चलती हुई बस से उतरें.
डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बस ड्राइवर है, जो बस को ड्राइव कर रहा है, उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. उससे बातें नहीं करेंगे तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा. नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम. अब घर पे हमें कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है. डू नॉट प्ले विद द फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द एब्सेंस ऑफ योर पेरेंट्स. अगर आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है तो आग से ना खेलें, ना ही बिजली से खेलें, इलेक्ट्रिसिटी से ना खेलें. खुद ही प्लग लगा रहे हैं, खुद ही उसे निकाल रहे हैं, खुद से उसे ऑन कर रहे हैं, खुद से माचिस जला दे रहे हैं. तो ये चीज़ें क्या है, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपको आग लग सकती है, आपको बिजली का झटका लग सकता है. तो ये चीज़ें पेरेंट्स ना रहें घर पर तो ना करें. डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स ओनली फॉर फन. मस्ती के लिए सिर्फ माचिस नहीं जलाना है. डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स नियर योर सेल्फ. अपने पास ये जो फायर क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं, उसे ना जलाएं. डू नॉट इंसर्ट योर फिंगर इन अ प्लग पॉइंट. किसी भी प्लग पॉइंट में अपनी उंगली को ना डालें. एंड नेवर टच एन इलेक्ट्रिक वायर. कभी भी इलेक्ट्रिक वायर को, बिजली की तार को ना छुएं. इफ इट इज डैमेज, अगर वो टूटे फूटे कंडीशन में खराब है तो उसे बिल्कुल ना छुएं. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. बिजली के जो भी गैजेट्स हैं, चाहे वो टीवी, कोई भी बिजली का सामान ना छुएं. दे आर डेंजरस एंड मे गिव यू अ शॉक. तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं और आपको शॉक भी लग सकता है. डू नॉट लीव सोप बार्स ऑन द फ्लोर. तो जब हम नहाते तो हमें सोप का जो बार है, मीन्स सोप का जो पीस है, उसे ज़मीन पर नहीं छोड़ना चाहिए. बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन वेट बाथरूम. अगर आपका बाथरूम जो है गीला है तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान से केयरफुली चलना चाहिए वहाँ पे. यू मे स्लिप एंड हर्ट योर सेल्फ. और अगर सोप है फ्लोर पे या आपका बाथरूम का फर्श गीला है और आप जल्दी जल्दी चल रहे हो तो हो सकता है आप गिर जाओ और आपको चोट लग जाए. इन द किचन बी केयरफुल ऑफ द स्टोव. अगर आप किचन में जा रहे हो तो स्टोव से केयरफुल रहना है. द हॉट यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. जितने भी गर्म बर्तन है किचन में, उनसे आपको केयरफुल रखना है. ऐसा ना हो कि आपने उस गर्म बर्तन को छू लिया और आपका हाथ भी जल गया, पूरा बर्तन का सामान भी आपके ऊपर गिर गया. और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसे भी नहीं छूना चाहिए. डू नॉट टेस्ट मेडिसिन फॉर फन सेक. मेडिसिन मीन्स दवाइयों को फन के लिए, मस्ती के लिए नहीं हमें क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए. हम हो सकता है हमारी तबीयत खराब हो जाए. डू नॉट यूज ब्लेड्स और रेजर्स और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स. ब्लेड या फिर इस तरीके का कोई भी शार्प चीज़, नाइफ हो गया, ब्लेड्स हो गए, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं. तो ऐसी चीज़ें अगर हम छुएंगे तो हो सकता है हमारा ही हाथ कट जाए, हमें चोट लग जाए. नेवर वियर सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन. जब आप किचन में जाएं तो सिंथेटिक कपड़े ना पहने. सच क्लोथ्स कैन कैच फायर ईजिली. ऐसे जो कपड़े हैं ना, उसमें आग बहुत जल्दी लगती है. तो ऐसे कपड़ों को ना पहने, कॉटन पहन के जाएं. नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द क्लास रूम. अब क्लास में भी हमें सेफ रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या करना चाहिए. डू नॉट जम्प ऑन बेंचेस और ऑन द डेस्क. ना तो बेंच पे जम्प करें और ना ही डेस्क पे. डू नॉट थ्रो प्लेन पेपर्स पीसेज ऑफ चॉक और एनी अदर थिंग एट और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. तो जो क्लास के बच्चे हैं उनके ऊपर ये सारी चीज़ें आपको नहीं फेंकनी चाहिए. इट्स वेरी बैड. नाउ सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. अब हमें प्लेग्राउंड में कैसे सेफ रहना चाहिए. तो क्या करना है हमें, फॉलो द गेम रूल्स व्हेन यू आर प्लेइंग. तो जब आप खेल रहे हैं तो आपको गेम के जो रूल्स हैं उसे फॉलो करना चाहिए. वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग. स्विंग पे हमें अपने टर्न का ध्यान रखना चाहिए और वेट करना चाहिए. एंड सीसो पे अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें अपने टर्न का इंतज़ार करना चाहिए. ये नहीं कि झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं मुझे स्विंग पे बैठना है या मुझे सीसो पे बैठना है. और झगड़े में आपको चोट लग सकती है, आप गिर भी सकते हो. डू नॉट पुश एनी अदर चाइल्ड. किसी दूसरे बच्चे को कभी भी पुश ना करें, मीन्स धक्का ना दें. नेवर प्ले रफ गेम्स. ऐसे गेम्स ना खेलें जिससे किसी को चोट लगे. डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरेस एज यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. आपको क्या करना है, काइट को फ्लाई नहीं करना है. टेरेस मीन्स छत से, हो सकता है आप गिर जाओ और आपको चोट लग जाए. सो ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन हमें नहीं करनी है
प्लेग्राउंड में, और हमें अपना ध्यान रखना है। तो चलिए आते हैं लेट टेस्ट योर स्किल्स एक्टिविटी पे। व्हाट यू हैव टू डू हियर, द पिक्चर हियर शोज द सीन ऑफ अ प्लेग्राउंड। ये आपको एक प्लेग्राउंड का सीन दिख रहा है। टेक द राइट एक्शन एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। जो सही है उसे टिक करो और जो गलत है उसे क्रॉस करो। तो क्या ये बच्चे सही से खेल रहे हैं? चलो टिक कर दिया। क्या यहाँ पे ये बच्चे सही से खेल रहे हैं? यस। अब क्या ये बच्चा इस कैट को परेशान कर रहा है तो क्या ये सही कर रहा है? नो। देन क्रॉस इट। अब यहाँ पे ये बच्चा डॉग के साथ खेल रहा है, क्या ये सही है? यस। गर्ल यहाँ पे गिर रही है, इट्स नॉट राइट। और किसकी वजह से गिर रही है? ये जो गर्ल है वो बहुत तेज झूला झूल रही है, तो जिसकी वजह से गर्ल भी गिर गई, तो ये भी सही नहीं है। सो लाइक दिस यू हैड टू डू दिस एक्सरसाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड क्या होता है? तो एक्सीडेंट से बचना तो हमने सीख लिया कि कैसे किसी एक्सीडेंट से बचा जाए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन फिर भी हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली उसके बाद भी हमें चोट लग गई। मान लो हमारी गलती नहीं है लेकिन फिर भी हमें चोट लग गई, तो ऐसे केस में हमें फर्स्ट एड आना चाहिए। सो फर्स्ट एड क्या है? द फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प जो दी जाती है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। पहला एड मींस पहला क्योर जो हम देते हैं किसी पर्सन को और एकदम तुरंत से जो देते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के या फिर किसी मेडिकल हेल्प के आने से पहले किसी की मरहम पट्टी कर दो, किसी के चोट वोट को आप जो दवाई लगा दो, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। सो फर्स्ट एड गिव्स टेम्पररी रिलीफ टू द इंजर्ड पर्सन। जो भी इंजर्ड पर्सन है उसे थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रिलीफ फर्स्ट एड देता है। इट कैन सेव अ पर्सन्स लाइफ, किसी पर्सन की लाइफ को भी ये फर्स्ट एड बचा सकता है। इट प्रिवेंट्स सीरियस इंजरी एनहैंसेस रिकवरी, ये बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली इंजरीज को भी बचाता है और रिकवरी को भी तेज करता है। नाउ कॉमन स्टेप्स फॉर फर्स्ट एड आर, तो कुछ कॉमन चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट एड की क्या क्या हैं। पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू कीप काम, डू नॉट पैनिक। मान लो किसी को चोट लग जाती है, मुझे लग जाए, आपको लग जाए, किसी को भी लग जाए, तो सबसे पहले क्या करना है? कीप काम मीन्स शांत रहना है। डू नॉट पैनिक मीन्स इधर उधर नहीं भागना है, टेंशन नहीं लेनी है। फिर है कॉल फॉर एन एम्बुलेंस और डॉक्टर इमीडिएटली, एम्बुलेंस या डॉक्टर को बुलाएं, फ़ोन करें। डू नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड द पेशेंट, पेशेंट के आसपास लोगों को इकट्ठा ना होने दें। ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड, जो चोट लगी है, वाउंड मीन्स चोट, उसमें से जो ब्लीडिंग है मीन्स खून को रोकने की कोशिश करें। वॉश द वाउंड एरिया विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे कि डेटॉल हो गया, सेवलॉन, इनसे ऐसे धो लें। एंड टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर द वाउंड, और उस चोट के हिस्से पे या तो एक साफ हैंकी बांध दें या फिर एक बैंडेज बांध दें। नाउ चिल्ड्रन, हियर वी हैव टू डू दिस टेस्ट योर स्किल्स। विच ऑफ दीज कैन हर्ट यू, इनमें से कौन सी चीज़ें आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं? क्या एक नाइफ पहुँचा सकता है? क्या एक इरेजर पहुंचा सकता है? क्या एक ब्लेड, बुक या फिर सीजर? तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उन्हें हमें टिक करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक, जो भी हमने पढ़ा दैट वी आर गोइंग टू रिकॉल हियर। सो वी कैन अवॉइड गेटिंग इंजर्ड बाय द फॉलोइंग सम सेफ्टी रूल्स, हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके हम चोट लगने से बच सकते हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर, हमें सेफ्टी रूल्स हर जगह फॉलो करने चाहिए, चाहे हम रोड पे हों, चाहे बस स्टॉप पे हों, चाहे हम घर पे हों, चाहे हम क्लासरूम में हों या फिर प्लेग्राउंड में हों। फर्स्ट एड क्या करता है? हेल्प करता है हमें किसी भी इंजर्ड पर्सन को ठीक करने में। एंड फर्स्ट एड कैन सेव अ पर्सन्स लाइफ, किसी भी इंसान की लाइफ को फर्स्ट एड बचा सकता है। सो दीज वर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। यहाँ पे हमने पढ़ा ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या है, ये रोड क्रॉसिंग लाइंस हैं जो ब्लैक एंड वाइट कलर की होती हैं। नेक्स्ट कम्स फर्स्ट एड, ये क्या है? ये है एक इमीडिएट हेल्प जो दी जाती है किसी भी इंजर्ड पर्सन को। नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज, एंड ए एक्सरसाइज ओवर हियर इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट इज डेंजरस टू प्ले विथ, क्या इनमें से किन चीज़ों के साथ खेलना डेंजरस है? क्या बॉल के साथ खेलना डेंजरस है? नो। नाइफ के साथ? यस।
Bat and toy? No. So what we have to take here? We have to take knife. We should sharpen our pencil with her. हमें अपने pencil को sharp किससे करना चाहिए? क्या knife से, blade से, scissor से या फिर sharpener से? तो हमें अपने pencil को sharpener से ही sharp करना चाहिए, बाकी चीज़ों से नहीं. Safety rules should be followed. कहाँ पे follow करने चाहिए? सिर्फ road पे, सिर्फ school में, सिर्फ घर पे या हर जगह? So हर जगह हमें safety rules को follow करना चाहिए. And this question is your homework. So do it yourself, children. Now let's move on to B exercise, which is name the following. So these are meant for you to walk on. इसके ऊपर हम चलते हैं. क्या है ये? Zebra crossing. Which color of the light asks you to stop? कौन सा light का color है traffic light में जो हमें रुकने को कहता है? It is red. An instrument used that must be used very carefully. A sharp instrument that must be used very carefully. एक ऐसी sharp instrument जिसे बहुत ध्यान से use करना चाहिए. तो हम कोई भी लिख सकते हैं. यहाँ पे हम लिख देते हैं knife. Now this one is a homework, children. Do it yourself. Now let's move on to C exercise, which is fill in the blanks. Dash can occur anywhere at any time. So क्या हो सकता है कहीं भी कभी भी? Accident. Next, one should dash on the road. So one should walk carefully. Red light says dash and green light says dash. So red light says stop and green light says go. If you see injured person, you should immediately call for dash. So do this as your homework. Now let's move on to D exercise, which is write true or false for the following statements. So keep your left while riding a bicycle. तो क्या हमें bicycle को ride करते समय left की तरफ जाना चाहिए? Yes, true. It is safe to touch a pan on fire. अगर pan रखा हुआ है आग के ऊपर तो क्या हम उसे touch करना चाहिए? क्या वो safe है? False. Do these two questions as your homework. Now answer the following questions. What will you do before crossing a busy road? Road को cross करने से पहले, एक busy road को cross करना है तो हमें क्या करना चाहिए? So first we should see right. तो right की तरफ देखें. Then to the left, left की तरफ देखें. And then again to the right, right की तरफ देखें. And if the road is clear, if the path is clear, then we should cross the road. Now, how can you avoid accidents in playground? Accident को कैसे avoid करें, कैसे रोका जाए playground में? So, in playground, we should play fair games. We should not play rough games. We should wait for our turn. We should not fight. We should not push others. And there are other more points. You can write it here. Now, the third one is list any five things at in your home that can cause accident. आपके घर में पांच चीजें ऐसी बताएं जिसकी वजह से accident हो सकता है. If not handled properly, अगर हम उसे ठीक से नहीं handle करेंगे. So first thing is do not touch electrical switches, do not play with fire, do not light match sticks for fun, do not touch hot kettles, do not wear nylon clothes in your kitchen. And so these are the five things. There are some more things, children, you can write on your own. Like the children, you have to do this question number 4 and 5 as your homework. So children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.